हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। सो न्यूमेरिकल हमें गिवन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर, एक्स इक्वल टू 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस है इस टाइप से, जिसका ओरिजिन हम ओ मान लेते हैं, जहाँ पे चार्ज हमारे पास क्यू नॉट रखा हुआ है। और इस ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है क्यू वन, जिसपे 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है। और फिर उसके बाद 2 मीटर डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज आप बोल सकते हो। इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं क्यू थ्री, जो कि 4 मीटर अपार्ट है क्यू नॉट से। और इसी तरह से जो है Q4 जो कि 8 मीटर अवे है। सो अब इस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस मिलके क्यू नॉट पे कितना फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ओके सो सबसे पहले जो हमें वैल्यू गिवन है क्यू नॉट, वो गिवन है 1 कूलम के इक्वल। Q1, Q2 ये सब इक्वल हैं, Q3 डॉट डॉट इक्वल हैं किसके, 4 माइक्रो कूलम के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶ कूलाम। क्लियर। इसके बाद R1 R2 की वैल्यू, R1 क्यू नॉट और Q1 के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। R2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर। R3 की वैल्यू हमें 4 मीटर गिवन है एंड R4 की वैल्यू हमें 8 मीटर गिवन है, इस तरह से एंड सो ऑन। मतलब और जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वैल्यू हमें और इससे आगे मिलती जाएगी, 16, 32, 64 इस टाइप से। सो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम, योर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या मिलेगा, एफ इजक्वल टू क्या होता है, एफ इजक्वल टू होता है क्यू नॉट अपॉन 4π ε0 Q1 / R1² प्लस Q2 / R2² प्लस Q3 / R3² प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके अब क्योंकि Q1 Q2 Q3 ये हमें गिवन है कि सब के सब 4 माइक्रो कूलाम के इक्वल है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी Q0 Q/ 4π ε0 और ये हो जाएगा 1 / R1² प्लस 1 / R2² प्लस 1 / R3² प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके चलिए अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्यू नॉट की वैल्यू 1 हमें गिवन है और क्यू की वैल्यू हमें 4 माइक्रो कूलाम गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶। और 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यहाँ पर हमें गिवन है 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/8² प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके सो चलिए अब देखते हैं एफ नेट जो है ये हमारा कितना होगा। तो यहाँ से जो है 4 9 होता है 36 और 10⁻⁹ में से 6 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻³। ओके और यहाँ पर जो हमें टर्म मिल रही है वो इक्वल होगी 1/1 + 1/1 + 1/4 + 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके सो अगर इस टर्म को हम देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीपी को, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को। इसका सम जो है वो इक्वल होता है a1 / 1 - r। ओके r को हम कैलकुलेट कर सकते हैं a2 / a1 से। तो अगर हम इसका सम निकालें तो ये इक्वल हो जाएगा 1/1 - 1/4। ओके सो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी 4/3 के इक्वल। तो ये जो सम आया है इस सम की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4/3 मिली। हम वैल्यू में इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ से नेट फोर्स इक्वल हमें कितना मिलेगा, 36 × 10³⁾ × 4/3। सो 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 12। या एफ इज़ इक्वल टू
4.8 इंटू 10^4 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के कारण क्यू नॉट पे जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल होगा 4.8 इंटू 10^4 न्यूटन के। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।